उकाड़ा के कमिश्नर की दावत पे आज हम रवाना है और इंशाल्लाह आज के बाद हमने तहैया कर लिया कि हमने सिटी टू सिटी लबड की कैंपेनिंग करनी है। मैंने ब्रांच रोड एक बंदा मिलया कहता तुम्हारी यूट्यूब दी शेख साहब दी वीडियो लग रही मैं तुम्हें देख रहा हूँ बड़ा माशाल्लाह अच्छा काम कर रहे हो जी घूम फिर रहे हो। मैं यार की ब्रीड करा रहे कहता जी लबड़। मैं की लाया कहना अल्बाइनो क्रीमिनो कम से कम मेरे को बच्चे 400 निकले है। तो मैं तू सेल क्यों नहीं कर रहा जी। मैं कहना जी मैं इसलिए सेल नहीं कर रहा जो 30,000 का बर्ड मैं क्रीमिनो निकलिया से ना शुरू शुरू पहले महीने तो उन्होंने कहा शेख साहब कि मैं 5,000 का नहीं बेचना मैंने 30,000 के बेचना16,000 का कहना मैं फिर नहीं बेचा। मैं एक मिसाल दी मैं तेरे को 400 बच्चा निकले तू 10,000 का भी बेचे 40 लाख रुपया बस वो जॉब कर रहा है पेपर मिल के अंदर 1 लाख रुपया महीने से जॉब करता और ओदी 12 घंटे ड्यूटी है मोटरसाइकिल ते घूमना परचेजिंग करनी फैक्ट्री दी। मैं कहा अल्लाह दे बंदिया बंदिया दी पाकिस्तानी कौम नो ए ए गवारा है। हां जी हां जी कहंदे बाहर मोटरसाइकिल जलील होना है ते ओ जेड़े घर आके पैसे मिलदे ना ओ नहीं बटदे सर। बंदा एक ओदे कोल आया घर बैठ के उने कहया यार सारे बर्ड कट ते मेनू दे दे अपना 10,000 दे हिसाब ना जब हमारा डन फेलो सस्ता हो गया है तो फिर उसका अल्टीमेट ब्रेक डाउन हर एक चीज के ऊपर अफेक्ट तो आएगा। सर तुसी तुसी लबड़ नो एक लबड़ नो एक साइड ते करो टोटल बिजनेस जिन्ना भी पूरे पाकिस्तान च हो रहा है वो कोई भी स्टेबल नहीं है सर। आप कैसे हैं आगे आउट हो गया आउट मैनू वारी नहीं देंदे यार है ओ मैच ना जीत लेते ही ना कोसी आज जीत गए अफगास ताजी पहला मैच जीत लिया सी ते आज असी हलना कोई नहीं आज असी आ ग्राउंड च मैं अगले मैच दसांगा कि कितने जीत गए हो ना तुसी पीछे नहीं आज की तो नहीं बेचारा सदाम हुन की करिए तुसी लो सारे आ गए बेचारा कल्ला सदाम की करेगा चलो यार चलो जोसी होई ठीक है बस इनके साथ थोड़ा बहुत वैसे तो कोई इतना खास नहीं है बैठे अच्छी लगे उनके लिए सबसे बेहतर नहीं वैसे बेहतर है लोगों का रोजगार एक बन जाता है सब इधर आ गए आप थैंक यू सर हर बंदा ये बात सुनना चाह रहा है कि लफ्ज में बेहतरी आएगी और इंशाल्लाह अल्लाह के फजल और करम से आएगी। मैं भाइयों से बात कर रहा था कि 2010 11 12 वाला दौर किसी ने नहीं देखा जिसमें फिंचेस 80,000 रुपए से 150 रुपए पे आई 90,000 का खरीद कर 300 रुपए में बेचा है। आज अल्लाह के फजल और करम से लवबर्ड्स आज भी बरकरार है। गलती कहां पे हुई है आज से 6 महीने पहले जाएं ऐसे म्यूटेशंस को हाइप दी गई जिसको हाइप देने की जरूरत नहीं थी। एक नेदरलैंड्स में एक फैंसियर है एगापोनिस डेनमार्क उसने ग्रे विंग की क्या तस्वीर लगाई लोगों ने वहां से 20 30 40 यूरो देकर 2-2 लाख 2.5-2.5 लाख के बर्ड बेचे। वो हमने नहीं बेचा वो लोगों ने हाइप क्रिएट की वो बेचा। अब जिस बंदे ने 3 लाख का बर्ड लिया 4 लाख का बर्ड लिया आज वो कोई 5,000 को लेने को तैयार नहीं। पायलट का दौर आया
पायलट में इतनी हाइप क्रिएट की गई और ये कहा गया, ये नारे मारे गए कि पाकिस्तान सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बनेगा पायलट का, क्योंकि दुनिया के किसी और नौकर में पायलट नहीं है। मेरे जैसे बंदे ने सात सात आठ आठ लाख रुपए का जोड़ा लिया है, मैं विद प्रूफ विद तस्वीरें बात कर सकता हूं, आज उसका कोई खरीदार नहीं। तो इस लड़ाई में कि पायलट को इसके साथ नहीं लगाना चाहिए, पेल को ये नहीं करना चाहिए, लोगों ने बर्ड्स महंगे बेचे, जो भी हुआ गुजर गया। आज मैं बात कहता हूं रियलिस्टिक अप्रोच को अपनाया जाए। अगर आपको एक लाख रुपए जेनरेट होता है चंद बच्चे देकर, पांच दस पंद्रह बीस, अल्लाह का शुक्र अदा करो। ऐसा कोई कारोबार नहीं है पाकिस्तान में इस वक्त जिसमें आप गारंटी के साथ कहें इतने पैसे लगा तो आप इतने कमा पाओगे। पाकिस्तानी हुकूमत में जब तक आप रिकग्नाइज नहीं होंगे, आपको अप्रिशिएट नहीं किया जाएगा, तो आप हुकूमती सतह पे नेशनल लेवल पे इस काम को कैसे प्रमोट करेंगे। और उनका क्या कहना था बॉस, बेशुमार नौजवान ड्रग से, बुराइयों से। बॉस मेरा गला खराब हो रहा है, तुसी बोलो यार। असल जी तो सब तो पहली गल है कि ये सब तो अच्छी एक्टिविटी है, इसलिए छोटे तो छोटा बच्चा भी शोक ना करेगा। बिल्कुल, और तुसी दो नंबर डकैतियां चोरियां तो जेडे साडी रेशो बढ़ रही है पाकिस्तान दी, कि जिन्ना दे लोगों को ऐसे पैसे नहीं, गुरबत इतनी ज्यादा है, गुरबत इतनी है, कारोबार दे हालात डाउन तो डाउन जा रहे हैं। लेकिन असी साडे च सब तो वड्डी खामी वो हैगी है कि असी लोग नशुकरे हैं फुल टाइम, असी लखा रुपया कमा के भी ना अल्लाह का शुक्र अदा नहीं किया और असी पिछे दे पिछे रहेंगे। सऊदीया च लोग ने नमाज पढ़ के अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, सड़कों खलो के अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे होंगे ने, असी लखा रुपया अपने अकाउंट च पवा के ना ते अगले बंदे यार बेली अगे रोने हैं, मर गए भुखे। बिजनेस के अंदर खरीदार की कोशिश ही होती है कि वो सस्ते से सस्ता ले, बेचने वाले की कोशिश होती है मैं महंगा से महंगा बेचूं। लेकिन बिजनेस जहां पे प्रोडक्शन हो रही हो और जहाँ पे आप जैसे लाखों लोग और मार्केट में मौजूद हो, आपकी कोशिश होनी चाहिए कि मैं अपनी खेत बेचूं, अपनी फसल बेचूं, जमीन आपके पास है, ब्रीडर पेयर आपके पास है, उसकी ऑफस्प्रिंग को बेचो। तो लालच सब ने किया, आज इस नतीजे पे हम पहुंचे हैं कि जिन्होंने बर्ड बेचा वो खुश हैं, जिन्होंने चंद सौ बर्ड्स अपने एवरी में इकट्ठे कर लिए वो परेशान हैं। आज भी मैं कहता हूँ अगर वो मिनिमम कीमत में भी बेचें तो वो फिर भी नुकसान में नहीं है। ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਅਸੀਂ ਲੰਘ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ, ਇੱਕ ਕਣਕ ਦੀ ਕਾਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਨੀ ਅੱਛੀ ਕਣਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਚਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਕਣਕ ਦਾ ਰੇਟ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਖਾਦ ਮਹਿੰਗੀ ਮਿਲੀ। ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਾਂ ਬਿਜਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਹਣੀਆਂ ਛੱਡ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਔਰ ਅੱਜ ਉਸੇ ਕਣਕ ਦਾ ਰੇਟ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੋਤਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਡਾਊਨ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਲੱਤਾਂ ਕੰਬਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਮਰ ਗਏ ਆ, ਡੁੱਬ ਗਏ ਆ। ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸਬਬ ਦਿੰਦਾ, ਨੀਅਤ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੋਂ। ਸਰ ਮੈਂ ਅਸਲ ਚ ਨਾ ਲਾਹੌਰ ਸੈਂਟਰ ਮਾਡਲ ਸਕੂਲ ਸੀ ਉੱਥੇ ਮੈਟਰ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਨਾਲ ਹੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਮਾਲ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਕਾਇਆ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਤੇ ਐਮ ਬੀ ਏ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਚਲਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਜੀ ਸੀ ਬਰਦਾਸ਼ ਵੀ ਜਵਾਨ ਨੇ ਜੈਲਸ ਮੇਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਅੱਠ ਕਰਾਂ ਸਮੈਸਟਰ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੱਸਾਂਗਾ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਸਿਡਨੀ ਵੀ ਰਹੇ ਸਰ ਵੀ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਫਿਰਦਾ ਰਿਹਾ ਸਿਡਨੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਮ ਆਸਟ੍ਰੀਆ ਆਸਟ੍ਰੀਆ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਪਸੰਦ ਸੀ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਸੀ।
खाना ढाबा के अंदर मैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ख्याल है कुछ नहीं तो फकरिया कहता हूँ 40 मिनट मामूली बात 12 बजे नफर पड़ेगी उसके बाद अल्लाह को यही दुआ मांगी अपने वालिद मोहतरम की कितने देर नफर चारों तरफ मैंने पढ़ी याद लगा ले कितना टाइम लगता ने मुआशरे के लिए किया क्या इस पे आप जरा ठंडे तमाम से सोचे आपको भी कुछ चीजें जो अभी नजर नहीं आ रहा आपको उस वक्त नजर आएंगी एक माने तबके का आदमी और एक फैक्ट्री का मालिक एक पेज पे आकर बैठे होते हैं बराबरी के सतह पे क्यों के लबज लगाए हुए एक सियासतदान और एक देबल्ले रेडी लगाने वाला एक प्लेटफॉर्म पे आकर बैठते हैं बराबरी कौन सी चीज लेकर आता है अपनी सोसाइटी में ये चीज देखे ना क्या चीज लेकर आती है लबज आप लबज से हटकर एक जगह पर बैठ के दिखाते सवाल ही नहीं पैदा होता लपट के इवेंट्स पे लपट के गेट टुगेदर्स पे लपट की वजह से सब बराबरी पे बैठे होते हैं और वहां पे हायरार्की का फर्क नहीं इस तरह की बेशुमार चीजें हैं आज हम सब के लिए बहुत बड़ी खबर थी कि पता चला कि चौधरी साहब माशाल्लाह इन्होंने एमबीए ऑस्ट्रेलिया से किया हुआ है तो इस बात पे खुशी हमने मुत्तफिका तौर पे फैसला किया है कि इंशाल्लाह ओकाड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक वर्कशॉप डिलीवर किया जाएगा सरकारी और गैर सरकारी मुलाजमीन के लिए जिसकी तादाद चंद सौ से ज्यादा होगी इंशाल्लाह और जो काम आज से चंद साल पहले किया गया था कि हॉबी के मुतल्लिक पॉजिटिविटी उसकी अवेयरनेस उसके फवाइद और हमारे मुआशरे के अंदर जो एक मुस्बत तब्दीली आई है वो हम इंशाल्लाह डिलीवर करेंगे मुनीर भाई और फैसल भाई और लबत सोसाइटी ऑफ ओकाड़ा के एक जॉइंट वेंचर के इंशाल्लाह शक्ल में होगा इंशाल्लाह शेख साहब की गाइडेंस में रहते हुए लवबर्ड को सर्व करेंगे और करने के लिए आज का जो पहला स्टेप लिया है वो यही है कि ओकाड़ा जिले की हद तक रह के हम इंशाल्लाह मल्टीपल टाइम्स एक वर्कशॉप का सिलसिला का आगाज कर रहे हैं उसमें ये बताया जाएगा कि हॉबी किस तरह मतलब बर्ड कीपिंग के बारे में बताया जाएगा इस बिजनेस के प्रोज एंड कॉन्स बताए जाएंगे तो इंशाल्लाह आप देख आने वाले वक्त में बहुत से मुस्बत चीजें देखेंगे सर ओवर टू यू ये मैं बिस्मिल्लाह रहमान रहीम ये जो लवर साइड है ओकाड़ा के पेरेंट्स से मैं इंशाल्लाह ताला अनाउंस कर रहा हूँ कि जल्दी इंशाल्लाह ताला हम एक वर्कशॉप का अरेंज कर रहे हैं जिस तरह शेख साहब ने बताया कि चंद सौ से ज़्यादा इंशाल्लाह ताला हम अरेंज करेंगे जिसमें प्रॉपरली बर्ड कीपिंग शेख साहब हमें गाइड करेंगे शेख साहब ही इसको सारा हमें चला के देंगे इंशाल्लाह ताला हम गैर सरकारी और सरकारी और जो लोग जैसे अंडर मैट्रिक या ओवर आफ्टर मैट्रिक जो लोग होते हैं उनके हवाले से हम लेकर आएंगे ताकि बिजनेस मॉडल मिलकर उनका पेश करेंगे मुख्तसर अल्फाज ना ही शो होगा ना ही ये गेट टुगेदर है एक प्रोफेशनल वर्कशॉप जो कि आज तक किसी ने नहीं किया और दुनिया को बताया जाएगा कि लवबर्ड्स की वजह से पाकिस्तान में तब्दीली क्या आई है इंशाल्लाह